जाओ इनका सामान गाड़ी में रख दो। अभी तो बेटी की शादी हुई है, कम से कम कल तक तो रुक जाइए। नहीं बहन जी, दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन चेताली का ब्याह होगा मैं माता के दर्शन के लिए जाऊंगी। नेमा से मिल सकते हैं? बेटा इतनी रात को थोड़ी ना तंग करेंगे उसे। हा? अच्छा ये बता, तूने खाना खाया? अब ऐसा कर, तू जाके सो जा, कल सुबह सुबह मिलवाऊंगी तुझे तेरी नई माँ से। अच्छा बहन जी, मैं चलती हूँ। अच्छा गौरव, तू अंदर जा, तू अंदर जा, मैं आती हूँ। दीदी, तुम्हारी अपने डैड से बात हुई? हाँ, बहुत मुश्किल था उनको ये बात बताना कि मुझे पता है मैं अडॉप्टेड हूँ। तो क्या रिएक्शन था उनका? उदास थे, लेकिन फिर हल्का भी फील कर रहे थे कि उनको अब मुझसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। सर, मैंने सुना था कि आप भी अपने घर से लड़के भाग कर आए हो। अरे लड़कर भाग नहीं आता तो फिर अपने बाप के मार्बल की फैक्ट्री में बैठ के ताजमहल बना रहा होता। खैर वो छोड़ो, मुझे बताओ शिवाना के बारे में कुछ पता चला? नहीं, इनफैक्ट मुझे शिवाना से नहीं, कहीं और से अडॉप्ट किया गया। ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी तो वहां? हाँ, मैं जानती हूँ, मेरे बचपन की फोटो वहीं से मिली थी। फिर अगर किसी और जगह से अडॉप्ट किया गया है तो तुम्हारी फोटो वहां पे क्या कर रही थी? विक्रांत, मुझे भी लगता है कि मेरा और उस जगह का कोई ना कोई कनेक्शन है। सबसे अजीब बात तो यह है कि कुछ दिन पहले तक मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। हमारे विश्वास करने या ना करने से सच्चाई बदल तो नहीं सकती। वनराज के बारे में कुछ नहीं पता चला ना? नहीं, मैं उसे पकड़ने ही वाला था कि उसकी किस्मत अच्छी थी। आर यू श्योर कि वो भाग गया है? अरे छोड़ो ये बात। खैर ये बताओ, यहां पर कोई प्रेजेंस है?
हाँ एक प्रेजेंस है ना, लेकिन वो अच्छी प्रेजेंस है। अरे आदिति तुमने फिर मेरी तारीफ कर दी यार, प्लीज मुझे हम्बल रहने दो। हाँ प्लीज। जी सर, जी सर। बताइए मिश्रा जी, फोन पे आप काफी परेशान लग रहे थे। अब क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। ये बॉडी तो बुरी तरह से जली हुई है। जी हाँ, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि विक्टिम की बॉडी के पास हमें ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि विक्टिम को जलाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ने बॉडी जलाकर फिर यहाँ पर प्लांट कर दी होगी। हो सकता है, लेकिन स्पॉट में हमें विक्टिम के साथ हुए स्ट्रगल के कुछ निशान मिले और रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम की मौत स्पॉट पे। ये सब कब हुआ? विक्टिम के बेटे सुधीर की दूसरी शादी थी, बस ये घटना उसी रात की है। दूसरी शादी? जी हाँ, सुधीर की पहली पत्नी किसी बीमारी के चलते मर गई थी, तो विक्टिम चाहती थी कि सुधीर की दूसरी शादी हो, इसलिए उसके लिए लड़की की तलाश में थी। आसपास के लोगों का क्या कहना? वो लोग क्या कहेंगे, गांव वाले बहुत ही डरे हुए हैं बेचारे। विक्टिम की या उसके घर वालों की किसी गांव वाले से या पड़ोसी से कोई अनबन, दुश्मनी, झगड़ा? फिलहाल तो हमारी इन्वेस्टिगेशन से ऐसा कुछ भी निकल के नहीं है। रिश्तेदारी में कोई अनबन हुई भी हो तो भी इतनी बूढ़ी औरत को इतनी बेरहमी से कौन जलाएगा, वो भी उसके बेटे की शादी के दिन। जिसने भी ये सब किया है वो दिमागी तौर पर बहुत ही बीमार हो सकता है। हाँ मिश्रा जी, हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हाथ लगा नहीं, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया। अब आप लोग ही बताएं कि केस कैसे सॉल्व करें, बाकी हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है आप लोग को। तो चलिए फिर क्राइम सीन पर चलते हैं, वहीं पर लोगों से पूछताछ कर लेंगे। नहीं मैडम, इस समय गांव जाना ठीक नहीं होगा, बहुत रात हो चुकी है और अब आप लोग भी काफ़ी लंबे सफ़र से आए, थक गए होंगे। आप लोग फिलहाल गेस्ट हाउस जाएं, आराम करें, तड़के सुबह होते ही मैं आप लोग को गांव ले चलता हूँ। ठीक है, सुबह सबसे पहला काम विक्टिम की फैमिली से मिलना। आपने तो कुछ खाया ही नहीं। गौरव, गौरव। यहाँ बेटा, रात बहुत हो गई है, जाओ घर जाओ। आओ बेटा। गौरव बेटा धीरे चलो। गौरव, गौरव रुको, देखो साथ में चलो यहाँ से। रुको, चैताली, उठो चैताली, क्या हुआ? हाँ चैताली उठो बेटा, जल्दी से जा, रमेश चाचा से बोल डॉक्टर को लेकर आए, जा जल्दी जा। चैताली आगे खोलो चैताली।
चैताली, चैताली, चैताली जी, आप कल रात खेत में क्या हुआ था? डॉक्टर साहब आकर भी चले गए लेकिन तुम्हें होश नहीं आया, अब कैसा लग रहा है? जी वो मुझे कुछ याद नहीं, मैं वहां तुम्हें काफी देर तक होश नहीं आया तो मैं बहुत घबरा गया था। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर अभी भी कमजोरी है तो हम अस्पताल चल सकते हैं। बस कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। चल बेटा। ये देखिए, यही वो जगह है जहां पे विक्टिम की बॉडी बुरी तरह जली हुई मिली, और ये रास्ता देख रहे हैं, इसी रूट से विक्टिम को अंदर तक घसीट कर लाया गया। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि विक्टिम यहां तक चल के आई थी फिर उसे घसीट कर ले गए। क्राइम सीन से कुछ सामान मिले, विक्टिम के बेटे सुधीर ने कंफर्म किया कि सामान उसकी मां के थे। किसी भी सामान पर आग जलने के निशान नहीं और ना ही कोई फ्यूल ट्रेस। इधर तो वाकई कोई फ्यूल की ट्रेस नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अगर बॉडी यहीं पर जलाई गई तो ये तो सूखी घास है, ये कैसे नहीं जल? फिलहाल तो जिसने ये किया है उसे ढूंढते हैं, कैसे किया है ये तो बाद में पता चली जाएगा। मिश्रा जी विक्टिम के फैमिली मेंबर से मिलते हैं, बात करते हैं। चलिए सुधीर जी, दोनों ऑफिसर मुंबई से स्पेशली सीमा जी के केस के बारे में बात करते हैं। जी आइए। घटना के दिन के बारे में कुछ बताइए हमें, उस रात माता जी का किसी के साथ झगड़ा हुआ था या फिर कोई अजीब बात? जी मैं सर को बता चुका हूं कि मां का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि वो तो उस दिन बहुत खुश थी और वैसे भी हमने ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं किए थे, सब जान पहचान के ही लोग थे, पड़ोसी, कुछ रिश्तेदार और मेरे दोस्त। सर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ उस रात खेत में क्यों गई। और आप कहाँ थे उस वक्त? कुछ मेहमान बचे थे, मैं उन्हीं के साथ था। आपने आखिरी बार अपनी माता जी को कब देखा? सभी रिश्तेदार खा पी कर अपने घर के लिए निकल रहे थे कि तभी हमें खेतों की तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, और जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि सर आप लोगों को पता चला कि ये सब किसने किया, कैसे किया? सुधीर जी वो तो हम पता करके रहेंगे, आपकी पत्नी कहाँ है? Thank you.
मैडम वो बहुत बीमार है, अभी बात करने की हालत में नहीं है, सदमे में है। मेरी आप लोगों से विनती है कि किसी और दिन आएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हम फिर आएंगे। थैंक यू। आप जरा 2 मिनट रुकिए, हम आते हैं। फुटबॉल खेलने का शौक है, बॉल का कंट्रोल छूटना नहीं चाहिए। नाम क्या है आपका? गौरव। गौरव, शादी वाले दिन आपकी दादी के साथ जो हुआ उसके बारे में कुछ जानते हो आप? गौरव, अगर तुमने कुछ देखा है तो हमें बता दो, हम भरोसा करेंगे तुम्हारा। उस दिन मैंने दादी को नई माँ के पीछे पीछे जाते देखा था। गौरव, उस कमरे में कौन रहता है? नहीं माँ। चेतारी का इस मर्डर से कोई कनेक्शन तो है? अगर ये बच्चा सच बोल रहा है तो आखिरी बार सुधीर की मां को चेताली ने ही देखा था, और आज भी इसने बीमारी का बहाना बनाकर मिलने से इनकार कर दिया। हमें चेताली के साथ साथ सुधीर का बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए, फैमिली, फ्रेंड्स, पास्ट रिलेशनशिप, या फिर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, या क्या पता उसी से कोई लीड मिल जाए। मैं चेताली के मायके जाकर उसकी कुंडली निकलवाता हूँ, तब तक तुम यहाँ पर रहकर सुधीर के बारे में पता लगा लेना, और जैसे इस चेताली की तबीयत ठीक हो जाए इससे भी मिल लो। ठीक है, आइए। अरे साहब, कोई नहीं है वहाँ। अरे ये सुधा कहाँ है? मालूम नहीं, क्यों, कोई काम था क्या? उनसे कुछ पूछताछ करनी है, कब तक आएंगे पता है? एक मिनट, अब तो यहाँ बस सुधा ही रहती है, और थोड़े दिन पहले उसने अपनी बेटी की शादी भी कर दी। उनकी बेटी चेताली के बारे में थोड़ा जानना था। अरे साहब, हम बताते हैं ना आपको, बड़ी ही मनहूस है साहब वो, पता नहीं कैसी अजीब गरीब हरकतें करती है। हरकतें मतलब? मतलब पहले तो वो बहुत हस्ती खेलती रहती थी, फिर अचानक से गायब हो गई, फिर जब हमने सुधा से पूछा कि वो कहाँ गई है तो बोली वो अपने मामा के यहाँ गई है, और जब मामा के यहाँ से वापस लौट कर आई तो पता नहीं कैसी अजीब गरीब हरकतें करती थी, अकेले में खड़ी खड़ी पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती थी वो। चेताली के मामा कहाँ रहते हैं? पास के करीम नगर में रहते हैं शायद, पढ़ाते हैं स्कूल में, मास्टर गोस्वामी नाम है उनका, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते उनके बारे में। अच्छा, बस इतना ही मालूम। हाँ। कोई बात नहीं जी, ऑलरेडी बहुत कुछ बताए हैं आप, थैंक यू। हाँ विक्रांत, कुछ पता चला? अरे ये चेताली के पड़ोसी तो पूरे जासूस निकले, उन्होंने कहा कि पिछले साल चेताली अचानक 3 महीने के लिए अपने मामा के पास गई थी। 3 महीने? हाँ, और पड़ोसियों का कहना है कि मामा के घर से लौटने के बाद वो कुछ बदल सी गई थी।
तो फिर हमें उसके मामा के यहाँ पूछताछ करनी चाहिए। ऑब्वियसली वही के लिए निकल रहा हूँ। इस चेताली में कोई ना कोई गड़बड़ तो है। हाँ विक्रांत, तुम सही कह रहे हो। मैंने भी अभी चेताली को खुद से बात करते देखा। स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ के लोग भी कह रहे थे कि 3 महीने के बाद जब वो वापस लौटी तो खुद से ही बातें करती थी। मैं काम करता हूँ, मैं इस केस के इंचार्ज से बात करके तुम्हें फोन करता हूँ। मैं भी एसआई मिश्रा से मिलकर यहाँ के लोगों से पर्सनली पूछताछ करती हूँ। हो सकता है उस रात किसी ने कुछ देखा हो, पर लोकल पुलिस को बताने से डर रहे हो। चलो ठीक है। चैताली, अरे तुम डर क्यों गई? तुम इतने दिनों से घर में बैठी हो, सोचा कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। चैताली, मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा तो खेत में। और मम्मी? रो क्यों रहे हो तुम? और यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? अंदर नहीं जाना? चलो मेरे साथ चलो घर के। मुझे नहीं, मुझे डर लगता है। डर लगता है? क्यों? आपकी नई माँ ने आपको कुछ बोला है या आपके साथ कुछ किया है? नई माँ ने दादी को मारा है। चैताली, तुम्हारी सास सीमा जी की मौत हुई, उस वक्त तुम कहाँ थी? चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला, सच तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। गौरव ये क्यों कह रहा है कि उसकी दादी को तुमने मारा है? चली जाओ यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो अब तुम मुझे थ्रेटन कर रही हो? समझो मेरी बात, चली जाओ यहां से। आखिरी बार कह रही हूं, चली जाओ यहां से। अरे हमारी गाड़ी खराब हो गई, पता नहीं यार पिछले 2 घंटे से किसी खेत के बीच में अटके पड़े। अच्छा बताओ, तुम्हारी चेताली से और कोई बात हुई, कुछ पता चला? चेताली के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अभी मैंने उसके घर पर कुछ अजीब देखा। जब मैं उससे बात कर रही थी तो उसे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा और अचानक से वहाँ टेबल रखी थी वो अपने आप हिलने लगी और उसके ऊपर जो
उसकी शादी की फोटो थी, वो भी अपने आप चलने लगी। चल गया, गड़बड़ तो है। मैं अभी उसके मामा के घर से आ रहा हूँ। उसके मामा को गुजरे तो 10 साल हो चुके। उसकी मामी ने कहा कि उसके बाद उसने चेताली की शक्ल तक नहीं देखी। तो फिर चेताली 3 महीने रही कहाँ? मतलब उसकी माँ ने सबसे झूठ बोला। वैसे ऐसा ही मिश्रा का फोन आया था, उसके पास कुछ लीड है, अभी मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। मैं भी वही पहुँच रहा हूँ जैसे ही ये गाड़ी ठीक हो जाए। पता कर लिया सर, चैताली के पास में गड़बड़ थी, हमें उसके खिलाफ कुछ सबूत मिले। दरअसल हमारी टीम ने चैताली के बड़े भाई के दोस्त किसी अजीत से बातचीत की, तो उसने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जो इस केस को नया मोड़ देती है। और जब हमने तफ्तीश शुरू की तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ये देखिए। चैताली के खिलाफ उसके परिवार वालों ने कंप्लेंट करवाई थी। इस कंप्लेंट के मुताबिक चैताली किसी प्रकाश नाम के आदमी के साथ घर से भागी और शादी कर ली। वही 3 महीने जब चेताली अपेरेंटली अपने मामा के पास गई थी, मतलब ये चेताली की भी दूसरी शादी। अंदर आ सकते हैं? जी आइए सर। क्या बात है सुधीर जी, बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं कुछ खास नहीं सर, बस कल रात ठीक से नींद नहीं आई। आपकी पत्नी कहाँ है? अब तबीयत ठीक है उनकी? कुछ ठीक नहीं है मैडम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चैताली ने कल रात से अपने आप को कमरे में बंद कर रखा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। आज सुबह जब उसकी माँ आई तो उसने दरवाजा खोला, वो उन्हीं से बात कर रही है। वो वापस आ गया है माँ, तू घबरा मत, तूने किसी को बताया तो नहीं है ना? क्या हुआ माँ? चैताली, चैताली ये धुआं कैसा है? माँ जी को क्या हुआ? ये तो बेहोश है। ये सब कैसे हुआ चैताली?
कोई आया था यहाँ पे? किसी को देखा तुमने? चेताली अब जल्दी से पानी लेकर जी जी, मैं एसीपी विक्रांत सिंघल, हम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि ये आपकी बेटी की दूसरी शादी है। अब आप सब सच सच बताएंगे? प्रकाश मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये सच है कि प्रकाश चेताली का पहला पति था, लेकिन हम लोग उसकी शादी से खुश नहीं थे क्योंकि चेताली ने हम लोगों की मर्जी के खिलाफ भाग के शादी की थी। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बहुत जल्द उसने अपने असली रंग दिखा दिए। मारता था, पीटता था, घर में बंद करके रखा था, किसी से नहीं मिलने देता था, यहाँ तक कि मेरे खुद के घर वालों से मुझे बात तक नहीं करने देता था। अचानक एक दिन उसका फोन आया और रोने लगी। मैं वापस घर आना चाहती हूँ। मैं रोती थी, चिल्लाती थी, तो खुद को और मुझे मारने की धमकी देता था। कहता था अगर तू चली गई तो खुद तो मरूंगा ही, तुझे भी मार कर जाऊंगा। उसे जैसे ही पता चला कि चेताली आने वाली है हमारे पास, मैडम जी उस दिन मैं उस घर से बचकर निकल तो आई, लेकिन प्रकाश ने मरने के बाद ही मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैडम जी मैं जानती हूं कि पुलिस वाले मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, पर मैंने कुछ नहीं किया, उसी ने सबको मारा है। चलो एक बार तुम्हारी बात मान भी लूं तो तुम्हें क्या लगता है प्रकाश की आत्मा चाहती क्या? माँ का सुनकर मैंने दूसरी शादी के लिए हाथ तो कर दिया, ये सोचकर कि अगर जगह बदल जाएगी तो शायद उससे पीछा छूट जाएगा, लेकिन नहीं, नहीं, वो यही कहीं है, आस पास इसी घर में। मुझे हर पल हर दम उसके आसपास होने का एहसास होता है। मैंने उससे कई बार कहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो हर दम यही कहता है कभी नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। मैडम जी देखिए आप सब यहां से चले जाइए, अगर आप सब मेरे आसपास रहेंगे ना तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। क्या बोला चेताली? चेताली का मानना है कि ये सब प्रकाश की आत्मा की वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता है, इस घर पर किसी का साया है, अब वो प्रकाश का हो या किसी और का ये नहीं पता।
मगर चैताली के स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर लगता है कि वो हर वक्त उसके साथ है, जैसे उसने चैताली को जकड़ कर रखा हो। आत्मा हो या जो भी हो, लेकिन चैताली की हिस्ट्री को देखा जाए तो एक बात तो जाहिर है, चैताली का वजूद ही उसकी फैमिली के लिए खतरा बन गया था और अब इनके लिए भी। हमें इस फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। चैताली, तुमने सुबह से कुछ खाया? अरे तुम रो रही हो? मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, ये मेरी दूसरी शादी है, समझ रहे हैं ना आप? और मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूं। मैं अपने पहले पति के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। आप चले जाइए यहां से और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या बात कर रही हो तुम चैताली? मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, ना आपसे और ना ही आपके बेटे से। मुझे सब कुछ पता है चैताली, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मां मुझे सब कुछ बता चुकी है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और एक बात याद रखना, जब तक तुम इस घर में रहोगी ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। इनके साथ
किससे बात करेगी? तुम्हारा धुआं कैसे आया घर में? चेतारी गौरव 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 गौरव, अरे इसके खून की उल्टी हो रही है, एक मिनट में एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। पानी पानी लाइए प्लीज। गौरव गौरव बेटा, हाँ मिश्रा जी, हाँ जल्द से जल्द सुधीर जी के घर पे एक एम्बुलेंस भिजवा दीजिए प्लीज। गौरव क्या हुआ इसे? गौरव बेटा ठीक है ना? रुक जा प्रकाश, छोड़ दो गौरव को, मैं जानती हूँ ये तुम ही कर रहे हो। सब समझ आ रहा है मुझे, तुम क्या करना चाह रहे हो? गौरव की क्या गलती है? मासूम बच्चे को छोड़ दो। अगर तुमने गौरव को या किसी को कुछ भी करने की कोशिश की, मेरे हाथ में दे दो वो, तुम फंस नहीं आएगा वरना मैं अभी अपने आप को मार दूंगी। पागल मत बन, बात नहीं यहां पे चल रही है। रुक जा प्रकाश, मैं जानती हूं तुम ये सब कर रहे हो और खबरदार तुमने कुछ भी करने की कोशिश की, मैं आखिरी बार कह रही हूं। कोई था यहां पे? अगर तुमने किसी को कुछ भी कहा तो मैं उन्हें मार डालूंगी, चेताली उठो उठो। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि ऐसी कौन सी चीज होगी जो इंसान पर इस कदर काबू कर ले कि वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाए। चेताली ने अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की थी, उसका सफर तो शुरू ही नहीं हुआ था कि समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लोग जब चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। पुलिस का काम छोड़कर फिलोसॉफी सिखाना क्यों नहीं शुरू करती? अच्छी टीचर बनोगी। कर लूंगी, पहले एक स्टूडेंट को तो सिखा लूं।